चीन और अमेरिका के बीच दिनों दिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत ने भी चीन को काउंटर करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इंडो पैसिफिक रीजन में प्रशांत द्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशिया देश जहां भारत को बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में देख रहे हैं और भारत को अपना गहरा दोस्त बना रहे हैं, वहीं चीन के चार क्षेत्र विवाद के बीच फिलीपींस का समर्थन और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप समूह में दोनों सैन्य विमान भेजकर इंडो पैसिफिक में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी है, जिससे चीन टेंशन में है। चीन को काउंटर करने के लिए भारत किस तरह से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत ने हाल ही में 5,500 समुद्री मील से अधिक की समुद्री यात्रा पपुआ न्यू गिनी पर अपने 2 युद्धपोत भेजे। वहीं चीन और फिलीपींस के क्षेत्रीय विवाद में भी भारत ने फिलीपींस का समर्थन किया। इसके अलावा भारत ने चीन के साथ लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद में शामिल दक्षिण एशियाई देश वियतनाम को एक एक्टिव ड्यूटी मिसाइल कॉर्विट उपहार में दिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के साथ इंटरऑपरेबिलिटीज बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ऑस्ट्रेलिया के कोकस किलिंग द्वीप समूह में 2 सैन्य विमान भेजे। अब इस पर ग्लोबल टाइम्स को मिर्ची लग गई। भारत के इस कदम पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने ओपिनियन लेख में लिखा और इसे लेकर अपनी भड़ास निकाली। उसने लिखा कि भारत बैलेंसिंग फैक्टर की आड़ में इंडो पैसिफिक रीजन और अधिक परेशानियों की ओर धकेल रहा है। भारत को बैलेंसिंग की कला सीखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि भारत की वर्तमान रणनीति इस क्षेत्र को टकराव, यहां तक कि एक नए कोल्ड वॉर की ओर धकेलने का जोखिम उठा रही है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत की ओर से इंडो पैसिफिक देशों के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए लिखा, भारत की ये कार्रवाई खतरनाक संकेत भेजती है। साथ ही ये बताती है कि भारत न केवल अपने पारंपरिक गुटनिरपेक्ष के रुख से भटक रहा है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका को खुले तौर पर सहयोग कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक्सपर्ट के हवाले से चेतावनी देते हुए लिखा कि भारत अमेरिका और चीन के टकराव को एक मौके के तौर पर देख रहा है, लेकिन भारत जितना ज्यादा चीन विरोधी रुख अपनाएगा, इंडो पैसिफिक में गुटों का टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। बता दें, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के बाद ग्लोबल टाइम्स ने ये लेख छापा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मामले से अवगत लोगों का कहना है कि पपुआ न्यू गिनी के राजनयिक हलकों को भी उस वक्त आश्चर्य हुआ जब 3 अगस्त को पोर्ट मोरेस्बी में भारत के युद्धपोत INS सहद्री और मिसाइल विध्वंसक INS कोलकाता पर आयोजित एक स्वागत समारोह में PM जेम्स मारप्पे और लगभग उनकी पूरी कैबिनेट ने हिस्सा लिया। जबकि इस तरह के स्वागत समारोह में आमतौर पर केवल रक्षा मंत्री अन्य अधिकारी जाते हैं। बस फिर क्या था, चीन को इसी बात से मिर्ची लग गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।